वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारा पार्ट 8 है। ऑलरेडी हम लोग 1 से लेकर के 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। वहां पर हमने नंबर ऑफ मल्टीपल क्वेश्चंस कराए अलग अलग टाइप के, जो आपके बोर्ड टर्म 2 के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। आप लोग ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे आप लोगों को पता चलेगा किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, हमने इसमें अलग अलग फॉर्मेट भी बताया हुआ है। तो आज एक क्वेश्चन खैर उठाते हैं। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2013 में पूछा गया था और देखते हैं ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन खैर इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरीके को सॉल्व किया जाएगा। एन एलिमेंट एक्स जिसका एटॉमिक नंबर दिया गया है 17 कंबाइन विद एलिमेंट वाई, एक एलिमेंट साथ वाई के साथ कंबाइन कर रहा है जिसका एटॉमिक नंबर दिया गया है 20 टू फॉर्म अ कंपाउंड। सिंपल से मतलब यहाँ पर एक ये है कि एक एलिमेंट एक्स है जिसका एटॉमिक नंबर दिया गया है 17 और कंबाइन कर रहा है दूसरे एलिमेंट साथ जो कि है वाई और जिसका एटॉमिक नंबर दिया गया है 20 और दोनों मिल करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले का मतलब तो यही निकल के आता है। क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या पूछा गया था, राइट द पोजीशन ऑफ दिस एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मींस एक्स की और वाई की पोजीशन बतानी है। जो मॉडर्न फॉर्म पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ते हैं उसमें एक्स और वाई की पोजीशन क्या होगी। ठीक है, बेसिकली कहने का मतलब है ग्रुप कौन से होंगे। ठीक है, अगला सेकंड पार्ट कह रहा है राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म, दोनों कंबाइन करने पर एक कंपाउंड बना इसका फॉर्मूला क्या होगा ये बताना। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। यहाँ पे पूछा क्या गया है, पहला पार्ट पोजीशन बताना है एलिमेंट क्या होगा। तो कभी भी याद रखना किसी भी एलिमेंट की अगर पोजीशन की बात करती है, आप लोगों को पीरियड निकालना है, ग्रुप नंबर निकालना है, कुछ भी निकालना हो, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करना होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करते हैं। सबसे पहले एक्स की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर कह रहा है 17, तो 17 कंफिगरेशन करते हैं 2 कॉमा हो जाएगा 8, 10 हो गया ना, फिर लगा दो 7। ठीक है, ये हो जाएगा इसका कॉन्फिगरेशन। ठीक है, वाई की बात करें तो वाई का क्या हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 2 कॉमा 8 कॉमा 8 कॉमा 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अभी हम लोग देखो इसमें खैर क्वेश्चन में तो कहीं नहीं कहा गया एलिमेंट एक्स और वाई क्या होंगे, लेकिन आप लोग 1 से लेकर 20 तक तो याद ही कर लो, क्योंकि देखो ये 17 और ये 20 इसके ऊपर नहीं पूछा जाता है, बस 1 से 20 तक मिनिमम तो याद होना चाहिए, ऊपर और याद है तो आगे हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 17 हो जाएगा ये। अब इसका पता करना है ग्रुप कौन सा होगा। देखो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अगर फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को छोड़ करके बाकी जो भी ग्रुप में, मतलब एक या दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर है तो कोई बात नहीं, अगर मान लो 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें 10 ऐड करना होता है। ठीक है, तो 7 यहाँ पर 10 ऐड कर दो, कितना हो गया ये 17 हो गया। तो कौन से ग्रुप का ये 17 ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, आगे ना पहचान में कैसे पहचाना हमने, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे इसके, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को छोड़ दिया करो। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड एक या दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर है तो इसको छोड़ दो, बाकी अगर 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोई भी हुआ, ठीक है, उसमें 10 ऐड कर दो, वही उसका ग्रुप होता है। तो यहाँ पर 7 था, हमने क्या कर दिया 10 ऐड कर दिया, कितना हो गया 17th ग्रुप। और ये होता कौन सा, ये आप लोग को पता होना चाहिए, होता हमारा हैलोजन फैमिली। कौन सी फैमिली होती है, ये होती है हमारी हैलोजन की फैमिली होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमने क्या कहा था, फर्स्ट और सेकंड अगर एक या दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं तो मतलब कौन सा ग्रुप हो गया, ये सेकंड ग्रुप हो गया, 2 नहीं ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, सेकंड 10 नहीं ऐड करना है इसमें, सेकंड ग्रुप हो गया। तो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट इसको हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाले क्या बोलेंगे, हैलोजन फैमिली, इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। हमने बता दिया ग्रुप भी कौन सा होगा, सेकंड ग्रुप हो गया, और इसका ग्रुप कौन सा हो गया, 17th ग्रुप का ये एलिमेंट हो गया। ठीक है, अब इस तरीके से एलिमेंट्स याद होने चाहिए हैलोजन फैमिली का ये। चलिए इसी में आप लोगों को बताते हैं आखिर ये एलिमेंट होगा कौन सा ग्रुप। देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर दिया गया ना 17, तो एटॉमिक नंबर 17 किसका होता है, एटॉमिक नंबर 17 किसका होता है, याद करना आप लोगों को सभी। ठीक है, 20 तक तो याद ही रखो, किसका होता है, क्लोरीन का होता है, क्लोरीन का होता है। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारे पास, एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक नंबर 20 किसका होता है, 20 तो लास्ट वाला हो गया, मतलब कैल्शियम, क्या हो गया इसका, कैल्शियम होगा। ठीक है, ये याद ही कर लेना है, 1 से लेकर के 20 तक एटॉमिक नंबर याद रखना सभी सीक्वेंस। जैसे मान लो हमने आप लोग से पूछा 14 किसका होता है, तुरंत बताना सल्फर, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्युमिनियम, 10 नियॉन, इस तरीके से तुरंत बताना है कि एटॉमिक नंबर बोलो, तुरंत आना चाहिए कि हाँ ये एलिमेंट होगा यहाँ पर। तो उससे क्या होगा ना, जब आप लोग क्वेश्चन करोगे तो मान लो इसमें हम लोग को क्या करना, इतना सब करने की जरूरत नहीं थी, हम देखते क्लोरीन और कैल्शियम, तुरंत बता देते कौन से ग्रुप को, कौन से फैमिली का है। ठीक है, तो याद होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स कंपाउंड, इन दोनों को कंबाइन करने के बाद जो फॉर्मूला बनेगा कंपाउंड का वो क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जैसे हमने एक्स लिखा था यहाँ पे क्या लिखा था, 2, 8, 7, 17 एटॉमिक नंबर था। ठीक है, और ये कौन सी फैमिली का था, एल्कलाइन अर्थ मेटल, मीन सेकंड ग्रुप का एलिमेंट था। ठीक है,
तो जो जिस ग्रुप का एलिमेंट होता है उतने उसके पास क्या होते हैं, चार्ज रहते हैं, ठीक है, ये तो सबको पता होगा। नहीं पता है तो हम इसको बता देते हैं कौन सा होगा। देखो एक सेकंड, ये 17th ग्रुप का होगा, ठीक है, 17th ग्रुप का है। तब यहाँ पर देखो 2, 8, 7, तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, तो वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी कि नहीं होगी, किसको समझ नहीं आया। देखो 2, 8, 7 हमने लिखा, अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करे, ये 7 इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले, तो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना ज्यादा जरूरी समझेगा ये, ठीक है। इसलिए क्या फॉर्म करते, कौन सा आयन, एक्स माइनस का आयन फॉर्म करते, ठीक है। अगर बात करें दूसरा कौन सा हमारे पास, 20 एटॉमिक नंबर का, ठीक है, तो 20 हमने क्या बताया, कैल्शियम 2, 8, 2। अब देखो इसके लिए क्या रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना ज्यादा अच्छा रहेगा एज कम्पेयर टू 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। और कैसे कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा, ये कौन सा कंपाउंड है, वाई, ठीक है, तो क्या फॉर्म करेगा, वाई 2। अब यहाँ पे 2 पे प्लस लगा देंगे, क्यों, देखो जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो माइनस चार्ज आता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया अपने आप को स्टेबल करने के लिए, इस पे क्या आ गया, वाई 2 पॉजिटिव आ गया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसके ऊपर आ गया एक्स का माइनस चार्ज, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर, जो क्लास 9 में सीखते आ रहे हैं, माइनस लगा दो यहाँ पर, ये हो गया वाई 2 प्लस 2 यहाँ पे लिखो, और यहाँ पे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो गया फॉर्मूला हमारा, वाई एक्स 2, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वाई एक्स 2 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है ये। अच्छा अगर हम रियलिटी में देखें कि जो हमने कंपाउंड बताया था, क्या बताया था हमने, खैर इसी, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, जो हम बता रहे हैं इस तरीके से आप लोग भी याद रखो। एक्स हमने क्या बताया था, एक्स हमारा 17 मतलब क्लोरीन हमने बताया था, सीएल लिख दे रहे, इसका सिंबल क्लोरीन होता है सीएल। और वाई क्या था हमारे पास, कैल्शियम, तो कंपाउंड क्या बनेगा, CaCl2, क्या बनेगा, CaCl2 बनेगा। तो कुछ ही क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकते हैं, जो कंपाउंड बनेगा पीरियड टेबल से देख के बताओ कौन सा कंपाउंड है और उसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड, क्या नाम होगा इसका, कैल्शियम क्लोराइड होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर नेम करने का तो भी लिख देंगे, और खैर यहाँ तक क्या करना है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यहाँ तक, ठीक है। एक्स्ट्रा हमने बता दिया, अगर ऐसा कुछ आता है कि कंपाउंड बताओ कौन सा बनेगा, उसका नाम बताओ पीरियड टेबल में देख करके, तो कैसे बताएंगे हम लोग, CaCl2 बनेगा और क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ एनसीईआरटी एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हम लोग डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, इससे बहुत कुछ जरूरत नहीं पड़ती दिमाग लगाने की। क्यों, देखो यहाँ पर क्या है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की बेसिस से एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एलिमेंट वहां पर होगा, ठीक है। इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि एलिमेंट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, कुछ इंपॉर्टेंट होती है वो आप लोग को बस याद रख लेनी है, ठीक है। तो इसमें जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एन एलिमेंट विच इज सॉफ्ट एंड रिएक्टिव मेटल, ऐसे एलिमेंट बताओ जो कि सॉफ्ट और प्लस रिएक्टिव भी हो, ठीक है। सॉफ्ट और रिएक्टिव जो होगा ये आता है ग्रुप 1 का एलिमेंट, ठीक है। और ये कौन कौन सा होता है, इसका आंसर यहाँ हम नीचे लिख दे रहे हैं, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, Na और K होता है, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम, ये सॉफ्ट और रिएक्टिव मेटल होते हैं, ठीक है। अगला पार्ट है, द मेटल विच इज इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ लाइम स्टोन, अच्छा क्वेश्चन है, लाइम स्टोन जो बनता है, ठीक है, कौन सा मेटल से बनता है लाइम स्टोन, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है लाइम स्टोन का। अगर हम आप लोग से लाइम स्टोन पूछे तो क्या होता है, लाइम स्टोन होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, बेसिकली तो यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बोले तो CaCO3, ठीक है। तो मेटल विच इज द इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट कौन सा होगा, मेटल कौन सा दिख रहा है, कैल्शियम, ठीक है, क्या होगा, CA, जो कि इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है, क्या होगा, कैल्शियम, दैट इज CA होगा। अगला है, द मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, कौन सा ऐसा मेटल है जो एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में एट रूम टेम्परेचर, ये तो कहे तो नॉन मेटल और मेटल का ही क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से घुमा करके पूछा गया है कि लिक्विड स्टेट में कौन सा है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, तो ये भी आप लोग को याद होगा, क्या होता है, Hg पता है ना क्या होता है, मरकरी, Hg क्या होता है, मरकरी होता है, ठीक है, जो कि कैसा होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। आप लोगों ने थर्मोमीटर तो देखा ही होगा, थर्मोमीटर जो मेजर करता है टेम्परेचर उसमें क्या होता है, मरकरी लिक्विड फिल होती है उसके अंदर, आप लोगों ने देखा जरूर होगा, तो वो क्या होती है, मरकरी, जो कि लिक्विड स्टेट में रहती है रूम टेम्परेचर पर भी, यही रीजन है थर्मोमीटर में मरकरी का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम आंसर दे सकते हैं, लिक्विड हो गया। चलो देखते फिर से बात क्या पूछा गया, सॉफ्ट और रिएक्टिव क्या हो गया हमारे पास, सोडियम और पोटेशियम, विच इज इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ लाइम स्टोन, लाइम स्टोन फॉर्मूला पता है कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ पर हो गया कैल्शियम। द मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, तो क्या हो गया हमारा Hg, जिसको हम बोलते हैं मरकरी, जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहता है, ठीक है। तो आगे आने वाले पार्टों में हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो आने वाली है, जैसे कि फिजिक्स में हो गया और केमिस्ट्री में, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलेगी आप लोग को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन।